हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश कुलियाल एंड वेलकम टू माय चैनल आकाश F1। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में सरल भाषा में। बिल्कुल सही सुना आपने और देखा थंबनेल में, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट सरल भाषा में। पहले मैं आपको इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, देन मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा टैली RP9 में। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था सेल्स साइकिल और रेवेन्यू साइकिल के बारे में, और उससे पहले मैंने लर्न अकाउंटिंग सिंपली के अंदर 4 वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें मैंने अकाउंटिंग के बेसिक्स, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के जनरल एंट्रीज करवाई थी। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, दीज डॉक्यूमेंट्स एडजस्ट अवर परचेजेस एंड सेल्स। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करके हम अपनी परचेजेस और अपनी सेल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले समझते हैं डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज इश्यूड बाय परचेजर टू सेलर। डेबिट नोट परचेजर सेलर को इशू करता है। पहले तो आप इसको दिमाग में नोट कर लीजिए कि डेबिट नोट परचेजर सेलर को इशू करता है। इट एक्ट्स एज द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द परचेज रिटर्न। इसकी वजह से परचेज रिटर्न संभव हो पाती है। यानी कि अगर मैं अपने गुड्स को वापस करना चाहता हूँ परचेज करने के बाद, तो मैं डेबिट नोट के थ्रू ये इंटीमेशन दे सकता हूँ सेलर को कि काइंडली रिसीव्ड दीज गुड्स विच आई एम रिटर्निंग टू यू। थ्रू डेबिट नोट परचेजर रिक्वेस्ट सेलर टू इशू क्रेडिट नोट, जो मैंने अभी आपको बताया। डेबिट नोट के जरिए परचेजर सेलर को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे क्रेडिट नोट इशू करो, क्योंकि जब तक सेलर क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा तब तक ये परचेज रिटर्न संभव नहीं हो पाएगी। मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे और उन गुड्स के अंदर एक दो पीसेज में कुछ डिफेक्टिव पीसेज निकले, अब मैं उसे वापस करना चाहता हूँ 1-2 पीसेज को, तो जब तक सेलर उसको स्वीकार नहीं करेगा उस रिटर्न को, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और सेलर अपनी स्वीकृति कैसे देगा? बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। जब सेलर मुझे क्रेडिट नोट इशू कर देगा तो ये परचेज रिटर्न हो जाएगी। प्रूफ ऑफ रिडक्शन इन एक्सपेंस। डेबिट नोट एक प्रूफ है कि आपकी परचेज कम हो चुकी है। अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट नोट में एंट्रीज पास कर रखी है, तो ये एक प्रूफ है कि आपकी परचेज नाम का जो आपका एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो चुका है बाय द नेम ऑफ परचेज रिटर्न। आप समझते हैं नेक्स्ट क्रेडिट नोट को। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सेलर टू परचेजर। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर इशू करता है परचेजर को। इट एक्ट्स एज द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द सेल्स रिटर्न। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेबिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है परचेज रिटर्न के लिए, वैसे ही क्रेडिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है सेल्स रिटर्न के लिए। क्रेडिट नोट के जरिए सेल्स रिटर्न संभव है। थ्रू क्रेडिट नोट सेलर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स। क्रेडिट नोट के जरिए सेलर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है गुड्स रिटर्न करने की, यानी कि वो गुड्स जो खराब हैं वो उनको वापस ले लेता है। अपनी स्वीकृति वो क्रेडिट नोट के जरिए परचेजर को देता है। प्रूफ ऑफ रिडक्शन इन इनकम। क्रेडिट नोट एक प्रूफ है कि आपकी सेल्स नाम की इनकम रिड्यूस हो चुकी है। तो ध्यान रखना, डेबिट नोट कौन इशू करता है? परचेजर। और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर। अब सवाल आता है, यार ये डेबिट नोट का नाम डेबिट नोट क्यों पड़ा और क्रेडिट नोट का नाम क्रेडिट नोट क्यों पड़ा? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। अब समझते हैं जनरल एंट्रीज। देखो, परचेज रिटर्न समझने के लिए पहले आपको परचेज की एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो पहले एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर शाह। मान लीजिए हमने मिस्टर शाह से गुड्स खरीदे 1,75,000 रुपये के, 5 डेल पीसी एट द रेट ऑफ रुपीज 35,000। तो जनरल एंट्रीज की क्या होगी? पहले हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,75,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और क्रेडिट हम किसे करेंगे? टू मिस्टर शाम 1,75,000 रुपए से, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बन गया। तो ये एंट्री होती है परचेज की। अगर आपको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो आप लर्न अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज मेरी देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी तरीके से विस्तार एक्सप्लेन कर रखा है डीप मैनर में जनरल एंट्रीज के बारे में। अब ये एंट्री समझने के बाद, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शाम, हमने गुड्स परचेज करे मिस्टर शाम से 1,75,000 रुपए के, देन व्हाट हैपेंस? इन 5 कंप्यूटर में से 1 डेल पीसी जो है वो मेरा डैमेज हो रखा था, तो 1 डेल पीसी अब मैं वापस करना चाहता हूँ। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? मिस्टर शाम डेबिट। और क्रेडिट हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एक एक्सप्लेनेशन है कि परचेज के अगेंस्ट पे रिटर्न, इसलिए हम सेपरेट लेजर बनाना पसंद करते हैं जिससे कि हम सेपरेट रिकॉर्ड्स देख सके परचेज रिटर्न्स के। अब आप एक चीज़ देखिए, मिस्टर शाम यहाँ पे डेबिट हो रखा है, एंड बिकॉज मिस्टर शाम इज़ डेबिटेड, इसीलिए
हम इस एंट्री को डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। ओके, डेबिट नोट आपको रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस परचेज रिटर्न की एंट्री अगर आपको समझ में आती है तो आपको बस इतना समझना है कि इस एंट्री के अंदर अगर पार्टी डेबिट है देन यू हैव टू पास दिस जनरल एंट्री इन डेबिट नोट। नेक्स्ट, अब समझते हैं क्रेडिट नोट के बारे में। तो क्रेडिट नोट को समझने के लिए पहले आपको सेल्स करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर गुड सेल करे मिस्टर घनश्याम को 4 Dell PC एट द रेट ऑफ ₹38,000, क्योंकि हमने एक वापस कर दिया होगा ना वहाँ पे। अब हम यहाँ पर मिस्टर घनश्याम को 4 Dell PC बेच रहे हैं 38,000 रुपये के रेट से, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मिस्टर घनश्याम डेबिट 152,000 रुपये से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 152,000 रुपये से। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर घनश्याम का हमें फ़ोन आता है, वो कहता है कि यार एक डेल पीसी मैं आपको वापस करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर ना इंटरनल कुछ इशू है, पेरिफेरल्स का कुछ इशू है इंटरनल कंपोनेंट्स में। सो आई डोंट वांट टू परचेज इट फ्रॉम यू, आई वांट टू रिटर्न दिस गुड्स टू यू। सो देखिए, अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हैं और आपका कस्टमर, आपका रिटेलर, जो भी डीलर है, अगर वो इस तरीके से गुड्स वापस करना चाहता है तो आपको उसकी स्वीकृति को ना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 38,000 रुपये से और मिस्टर घनश्याम क्रेडिट होगा 38,000 रुपये से। ये हम तब कर रहे हैं जब मिस्टर घनश्याम ने आपको डेबिट नोट दिया, ओके? जब वो डेबिट नोट आपको दे रहा है और कह रहा है कि भाई एक डेल पीसी मैं वापस करना चाहता हूँ। फिर आप देख सकते हैं मिस्टर घनश्याम यहाँ पे क्या हो रखा है, क्रेडिट, और इसीलिए ये एंट्री कहाँ पर होगी, क्रेडिट नोट वाउचर में, ठीक है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अब हम चलिए इसको प्रैक्टिकली करते जिससे कि हम पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को फिनिश अप कर सकें। तो चलिए मेरे साथ टैली RP9 पे। सबसे पहले टैली RP9 के अंदर हम कंपनी क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ। कंपनी का नाम मैंने रखा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आकाश F1। सिंपली यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश स्टेट डाली एंड सिंपल डिटेल्स रखी, ज़्यादा कुछ नहीं, और हमने इसको सेव कर दिया। टैली में कंपनी क्रिएट करना सबसे पहले होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पहले मास्टर्स क्रिएट करने के बारे में सोचा, क्योंकि एज यू कैन सी हम गुड्स परचेज करेंगे मिस्टर श्याम से, तो पहले ना हमें लेजर्स बना लेने चाहिए। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं लेजर्स क्रिएट करता हूँ। पहला लेजर बनाऊंगा मैं परचेज का, गाइस। परचेज विल कम अंडर परचेज अकाउंट्स ग्रुप और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को येस रखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें डेल पीसी शो करना है। आफ्टर दैट आई हैव टू क्रिएट द लेजर ऑफ मिस्टर श्याम हु इज माई सप्लायर। सप्लायर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो पाए कि ये आपका सप्लायर है, यस। और हमने इसको सेव करा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि हम क्योंकि डेल पीसी खरीद रहे हैं तो हमें इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। तो एस्केप करके हम बाहर आएंगे और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक आइटम का नाम होगा डेल पीसी। इसकी यूनिट ज़रूर क्रिएट करनी है, तो इसको इसके लिए हम ऑनलाइन यूनिट क्रिएट करेंगे Alt+C दबा के, और सिंबल डालूंगा मैं PCS और पूरी स्पेलिंग डालूंगा फॉर्मल नेम में पीसीस, सिंपल। अब इसको हमने सेव करा तो ये हमारा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया। अब फाइनली सभी मास्टर्स बनाने के बाद, लेजर्स और आइटम्स बनाने के बाद, अब आप फाइनली एंट्री पास कर सकते हो। सो लेट्स गो टू इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर एंटर की प्रेस करिए और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F9 कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन परचेज वाउचर। नाउ आपको परचेज वाउचर का ये वाला मोड आना चाहिए, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है? इस तरीके से परचेज वाउचर आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो आपको यू नो ऑल्ट आई अकाउंटिंग इनवॉइस इस तरीके से हो रखा होगा आपका, तो आपको इसे आइटम इनवॉइस में यू नो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर सबसे पहले हम डाल लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, वो बिल जो उसने हमें दिया होगा, तो हम सिंपली यहाँ पर PUR001 लिख लेता हूँ मैं। पार्टी का नाम जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ मिस्टर श्याम, और उसके बाद यहाँ पर हम मुझे डालना है लेजर परचेज का। फिर मैं क्या आइटम्स खरीद रहा हूँ वो मुझे यहाँ मेंशन करने हैं। डेल पीसी, कितने डेल पीसी खरीद रहा हूँ मैं, 5 और एट द रेट ऑफ 35,000। यहाँ पर रेफरेंस में हमारा बिल नंबर आ जाएगा, 175,000 रुपये हमें देने हैं, और यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल। आफ्टर पासिंग दिस जनरल एंट्री आपको क्या करना चाहिए, पेज अप का बटन दबाना चाहिए, माई सजेशन टू यू गाइस, और एंट्री को अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हैं, डे बुक में जाकर आप एंट्री को खोलिए और Ctrl+V दबाइए, इससे आपका डेबिट और क्रेडिट क्लियर होगा। ये मैंने अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज में, अपनी लर्न अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज में बता रखा है। तो इस तरीके से एंट्री देखने से आपका डेबिट क्रेडिट क्लियर होता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम इसके कुछ और इफेक्ट देखते हैं इस एंट्री के क्या पड़ेंगे। P&L अकाउंट में एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा परचेज शो हो रहा है 175,000 रुपये, और स्टॉक समरी में हमारा डेल पीसी शो हो रहा है 5 पीसेज, दैट मीन्स हमारे पास ये स्टॉक आ चुका है।
बैलेंस शीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा आपका क्रेडिटर है 175,000 रुपये का, जिसका नाम है मिस्टर श्याम। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब क्या हुआ, हमने एक डेल पीसी वापस कर दिया मिस्टर श्याम को बिकॉज वो डैमेज था, तो वापस करने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। किस वाउचर में? डेबिट नोट वाउचर में। तो इसके लिए हमें इनेबल करना पड़ेगा पहले डेबिट नोट वाउचर। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे डेबिट नोट वाउचर आप इनेबल कर सकते हो। पहले आपको प्रेस करना है F11 कंपनी फीचर्स, देन आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, एंड हेयर यू कैन सी एन ऑप्शन नेम यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट। हिट द वाई बटन टू इनेबल दिस ऑप्शन। इसके बाद आपको रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड वाला ऑप्शन भी इनेबल करना है, क्योंकि आप डेबिट नोट इनवॉइस मोड में चाहते हो। इनवॉइस मोड मतलब जहां पर आप स्टॉक आइटम भी शो कर सको, क्योंकि मुझे गुड्स वापस करने हैं, मुझे प्रोडक्ट मेंशन करना है, इसलिए इस ऑप्शन को मैं यस करना पड़ेगा। इसके बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस कर लूँगा फटाफट से स्क्रीन को सेव करने के लिए, कंट्रोल ए। अब डेबिट नोट का वाउचर हमारा इनेबल हो चुका है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन सी योर डेबिट नोट वाउचर। इट्स रियली सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट F9 की प्रेस करो। F9 की प्रेस करने से क्या आता है? परचेज वाउचर। इसी F9 की को कंट्रोल के साथ होल्ड करके अगर आप प्रेस करोगे कंट्रोल F9, तो परचेज रिटर्न वाउचर आएगा, जिसका मतलब होता है डेबिट नोट वाउचर। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं रटना है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपके, और आपके अपने जो कीवर्ड्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो भी आपके दिमाग में प्रोग्राम कर रहा हूँ। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, और आइदर यू कैन डू प्रैक्टिस विद मी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पार्टी का नाम डालना है जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं। मिस्टर श्याम इज़ अवर पार्टी। और परचेज के लेजर में हम परचेज का लेजर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने इसको एंटर कर दिया तो मैं कभी इस बात का पता ही नहीं कर पाऊँगा कि मेरी परचेज रिटर्न क्या है। हमें सेपरेट लेजर्स बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट्स। तो ऑल्ट प्लस सी करके मैं यहाँ पर एक लेजर बनाऊंगा परचेज रिटर्न का, अपनी परचेज रिटर्न को सेपरेटली शो करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर डेल पीसी सेलेक्ट करना है, एंड दैट्स इट। कितना वापस कर रहा हूँ मैं डेल पीसी? जस्ट वन पीस, एंड दैट्स इट। अगेंस्ट रेफरेंस हमें यहाँ पे लेना होता है लास्ट में, और यहाँ पर हमें ये जो हमारा पेंडिंग बिल है, जो हमें 175,000 रुपये पेमेंट करनी थी, अब वो घट के 35,000 रुपये डिक्रीज हो जाएगी। 175,000 रुपये पहले हमें पे करने थे, अब 35,000 डेबिट हो जाएंगे, यानी कि मैंने पार्टी को 35,000 रुपये से डेबिट नोट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन में डाल दूंगा बींग गुड्स रिटर्न्ड ड्यू टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, डिस्प्ले फेलियर कोई भी अगर इशू होता है तो। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद आप इसे एंटर करके सेव कर लीजिए, फिर पेज अप का बटन दबाइए, देन आपको यहाँ पर करना है ऑल्ट प्लस पी प्रिंट के लिए टू सी योर डेबिट नोट वाउचर। अब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसको यस पे क्लिक करके, एंड दिस इज योर डेबिट नोट वाउचर। प्रेस ऑल्ट प्लस जेड टू जूम दिस वाउचर, तो ये हमें देना पड़ता है अपने क्रेडिटर को। ये एक इंटीमेशन है कि भाई मैं आपको अपनी बुक्स में डेबिट करना चाहता हूँ 35,000 रुपये से, तो काइंडली इशू मी क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये डेबिट नोट वाउचर का प्रिंट हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इफेक्ट्स देखने का। इस इफेक्ट जरूर देखने हैं, तभी आपको काउंटिंग क्लियर होगी। स्टॉक समरी में जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पीसेज डेल पीसेज दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पास 4 ही बचे हैं, क्योंकि आपने एक वापस कर दिया। और सबसे बढ़िया चीज़ कि P&L अकाउंट में जब हम जाएंगे तो आपको परचेज अलग शो हो रही है, परचेज रिटर्न अलग शो हो रही है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके बाद बैलेंस शीट में हम जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो पहले 175,000 रुपये से दिख रहा था, अब यहाँ पर 140,000 रुपये से दिख रहा है। तो डेबिट नोट हमने अच्छे से समझ लिया, इसी को कहते हैं डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पास करना। बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको बताया था ना। नेक्स्ट है अब सेल्स वाउचर की एंट्री करना। सेल्स वाउचर की एंट्री हम क्यों करेंगे, क्योंकि तभी तो आप सेल्स रिटर्न समझ पाएंगे। तो पहले मैं एंट्री करता हूँ इसकी, तो मुझे पहले लेजर्स बनाने पड़ेंगे। पहला लेजर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पहले अपनी पार्टी का, एंड पार्टी नेम इज मिस्टर घनश्याम। ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं इसमें कस्टमर, बिकॉज ये मेरा डेटर है। इसके बाद हमने सेल्स का लेजर बनाया, और अंडर ये जाएगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में। इन्वेंट्री वैल्यूज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्टेड, और इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। नो, हमें स्टॉक आइटम नहीं बनाना गाइस, क्योंकि हमारा स्टॉक आइटम ऑलरेडी बन रखा है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है डेल पीसी, तो हमें इसको क्रिएट करने की दोबारा जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील अगेन। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाकर F8 की प्रेस करेंगे सेल्स की एंट्री करने के लिए। तो सेल्स हम क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, मिस्टर घनश्याम को 4 डेल पीसी एट द रेट ऑफ ₹38,000। अब सेल्स करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉक समरी में 4 पीसेज हैं, इसीलिए हम 4 ही बेच सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, जब भी आप कंपनी के अंदर सेल्स की एंट्री चढ़ाएं तो ऑलवेज डिस्प्ले द स्टॉक समरी फर्स्ट। ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है, फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है भले ही गोडाउन में, बट कंप्यूटर में वो चढ़ा ही नहीं है, तो इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो पहले अपना ना स्टॉक समरी जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों,
अब हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर, एफएट की प्रेस करके देन यहाँ पर हमें रेफरेंस डालना है अपना बिल नंबर। तो मैंने सिंपली SAL001 डाला। पार्टी का नाम क्या डालूंगा, मिस्टर घनश्याम, बिकॉज दिस इज द पार्टी जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैं इसे एंटर एंटर करके सेव करूंगा, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करूंगा, नेम ऑफ आइटम में डेल पीसी, हाउ मच 4 पीसेस एट द रेट ऑफ 38,000, 3,000 रुपये का मार्जिन मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, एंड दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बिलवाइज डिटेल की इस विंडो में आएंगे तो आपको SAL001 दबाना है जिससे कि आप बिल नंबर शो कर पाओ। और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि डे बुक में जाओ, DD प्रेस करके अपनी सेल्स की एंट्री को देखो, Ctrl+V प्रेस करो जिससे कि आपका डेबिट क्रेडिट क्लियर हो पाए। मेरा रिकमेंडेशन ये भी है कि आप साथ के साथ कर भी सकते हो, ऑल टैब दबा दबा के आप वीडियो को पॉज करो YouTube में और मेरे साथ टैली में करते रहो जिससे कि आपको और अच्छी तरीके समझ में आए, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसी को बोलते हैं लर्निंग। तो डेबिट और क्रेडिट हमारा दिख रहा है भी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, फाइनल एंट्री जिसके बाद ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी, और वो है मिस्टर घनश्याम रिटर्न 1 Dell PC ड्यू टू पेरिफेरल्स इश्यू। मिस्टर घनश्याम हमारा जो डेटर है उसने हमें 1 Dell PC वापस करा बिकॉज ऑफ पेरिफेरल इश्यू, तो हम इस एंट्री को पास करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में क्योंकि पार्टी क्रेडिट हो रही है। अब इसके लिए मुझे ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा F11 F2, और यहाँ पर मेरे को इस क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड के वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। मैं उस टाइम पे भी कर सकता था बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब जरूरत होती चीज़ों की तभी फीचर्स इनेबल करो, तो मैंने इसको यस करा एंड Ctrl+A। फाइनली हम इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8 जिससे आता है सेल्स, और सेल्स रिटर्न के लिए Ctrl+F8। होगी ना शॉर्टकट की याद, F8 से होता है सेल्स, तो Ctrl+F8 से क्या होगा, सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर। अब यहाँ पर पार्टी के नाम पे हम डालेंगे मिस्टर घनश्याम को क्योंकि हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो गाइस इस टाइम जब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ ना, तो ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स लेजर नहीं लेना, ना सेल्स रिटर्न लेना है, तो Alt+C प्रेस करेंगे और सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेंगे बिकॉज इसके अंदर हमारी सेपरेटली शो होंगी सेल्स रिटर्न, और ओनर कभी भी ये पूछ भी सकता है कि हमारे गुड्स कितने रिटर्न हुए, तो आपको ये शो भी करना पड़ सकता है सेल्स रिटर्न का लेजर। अब हम यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे डेल पीसी, यहाँ पर देखो 0 पीसेज आ रहा है, हम बेच ढूंढ रहे हैं, हम तो रिटर्न ले रहे हैं कस्टमर से, वो हमें वापस कर रहा है कितना, 1 पीस। तो आपको गाइस इसे सेलेक्ट करना है। अब जब मैं 1 लिखूंगा इधर क्वान्टिटी में 1 लिखूंगा ऐसे, तो देखो रेट अपने आप आए 38,000, तो ये मैं रिसीव कर रहा हूँ, इस रिटर्न को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर मैं एंटर करूँगा, और जिस घनश्याम से आपको लेने थे 1,52,000 रुपये, अब आप 38,000 रुपये डिक्रीज आपके हो जाएंगे, अब आप इतना पैसा नहीं रिसीव करोगे क्योंकि इतने का आप पीसी ले रहे हो उससे वापस। नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड एज रिटर्न फ्रॉम पार्टी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ड्यू टू पेरिफेरल इश्यू, दिस इज इट। इसको सेव करा, पेज अप का बटन दबाओ जिससे कि आप एंट्री को देख पाओ फटाफट से, और Alt+P प्रेस करके आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो जिससे कि आप इसको प्रिंट कर सकते हो। नाउ दिस इज योर क्रेडिट नोट, आप डेबिट नोट रिसीव करने के बाद अपनी पार्टी को क्रेडिट नोट दोगे। सो दिस इज इट गाइस, क्रेडिट नोट वाउचर हमारा शो हो रहा है, ये हम इशू करेंगे अपनी पार्टी घनश्याम को एज एन इंटीमेशन, एज अ प्रूफ कि भाई मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में कमी थी, और लीजिए ये रहा मेरी तरफ से क्रेडिट नोट एज एन इंटीमेशन कि मैंने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है, अब मैं आपसे इतना पैसा नहीं लूँगा 38,000 रुपये, लाइए मेरा गुड्स मुझे दे दीजिए। अब हम इसके इफेक्ट भी देखेंगे, इफेक्ट में चलिए स्टॉक समरी देख लेते हैं पहले, आपको यहाँ पर दिखेगा 1 पीस, और P&L अकाउंट में देख लेते हैं, यहाँ पर सेल्स रिटर्न आपको दिख रही है 38,000 रुपीज़ की, पहले सेल्स आपकी 1,52,000 थी, अब देखो यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुई 38,000 रुपीज़, अच्छे तरीके से हमें डिस्प्ले। बैलेंस शीट में जाओगे तो डेटर्स आपका दिखेगा 1,14,000 रुपीज़ का। सो दिस इज इट गाइज, ये होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आई होप मैंने आपको सबसे सरल भाषा में अभी तक समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। Thank you so much for watching. My name is Akash Kulyal and take care of yourself.